साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के अंतर्गत नौकायन पर दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वीडियो वायरल कर रंगबाजी करने वालों पर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने की कार्रवाई, दो गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गोष्ठी। प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर तैनात होंगे आपदा मित्र, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवान। शाहपुर थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी से लाखों रुपए हड़पने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जंगलों के बीचों बीच स्थित बुढ़िया माता मंदिर से है भक्तों की अटूट आस्था। शारदीय नवरात्र पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त। दिव्यांगजन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा आगामी 20 अक्टूबर से 1 माह तक दिव्यांगजनों को शासन की विभिन्न योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट की ओर से आयोजित रामलीला में शुभनखा नासिक भेदम का कलाकारों ने किया मंचन। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में श्री नौ दुर्गा रूप सज्जा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने थाना राजघाट क्षेत्र में पैदल गश्त करा स्थायी अतिक्रमण को हटवाया। शादी नवरात्र पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में डांडिया नृत्य का हुआ भव्य आयोजन। और पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर काला नमक धान की समस्या व समाधान पर डाला प्रकाश।